स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों। बिहार के सासाराम के धर्मशाला रोड पर मास्क नहीं पहनने वाले पर प्रशासन की सख्ती। कोरोना ने एक बार फिर रोहतास जिले में दी दस्तक। दूसरी बार कोरोना के रोहतास जिले में दस्तक देने से प्रशासन बिल्कुल सख्त हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा आम जनता से मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए SDM सासाराम SP सासाराम द्वारा प्रत्येक मोहल्ले में घूम घूम कर अपील के बावजूद सासाराम के लोगों पर इसका असर नहीं देखने के कारण अब सासाराम प्रशासन जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क पहने लोगों से ₹50 का जुर्माना वसूलना प्रारंभ कर दिया है। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किए बगैर कहीं घर से बाहर निकले सूत्रों के हवाले से अगर जनता अभी भी नहीं मानी तो रोहतास जिले को एक बार फिर से पूरी तरह लॉकडाउन किया जा सकता है। रोहतास प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से निपटने की तैयारी की जा रही है। संवाददाता विपिन बिहारी तिवारी की रिपोर्ट। चेक हो रहा है पब्लिक के लिए है। पब्लिक का किस चीज का चेकिंग कर रहे हैं आप? मास्क चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। जो आदमी पब्लिक अपना मास्क पहन के चले जिससे कोरोना वायरस से बचे और सब आदमी हम लोग सुरक्षित रहें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गजेंद्र कुमार झा हुआ।